बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज मैं मौजूद हूँ रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम के पास, और यहाँ से हम जाएंगे फूड स्ट्रीट में। और मेरी बैक साइड पे जो आपको नज़र आ रहा है, ये फूड स्ट्रीट का एरिया है। यहाँ से हम अभी स्टार्ट ले रहे हैं और आपको एक नज़र घुमा के दिखाते हैं कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जहाँ पर क्रिकेट मैचेस होते रहे हैं वो किस तरह दिखता है, कितना अच्छा लगता है। और जो मेरे लेफ्ट हैंड पर है, ये पूरा क्रिकेट स्टेडियम है, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। और यहाँ पर बहुत सारे मैचेस होते रहे हैं, PSL के मैच होते रहे हैं, इंटरनेशनल मैचेस होते रहे हैं। इसके अलावा जो अंदर की जो मैचेस होते हैं पाकिस्तान के अंदर, वो मैचेस यहाँ पर होते रहे हैं और इंशाल्लाह आगे भी यहाँ पर होते रहेंगे। अभी लास्ट जो यहाँ पर PSL के मैचेस हुए, बहुत मज़ा आया, बहुत इंजॉय किया। तो इस टाइम मैं रोड पे मौजूद हूँ और ये फ्रंट गेट है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का, और यहाँ पे ये जो PSL हुआ था, ये उसके बैनर्स यहाँ पे लगे हुए हैं, बोर्ड यहाँ पर लगे हुए हैं PSL के। अभी यहाँ पर काम जारी है, काम हो रहा है और बहुत अच्छी कंस्ट्रक्शन यहाँ पे आपने देखा है, बहुत ही देखा। इसके बिल्कुल सामने फ्रंट पर अभी काम लगा हुआ है PSL क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे लिखा हुआ है, और मुख्तलिफ क्रिकेटर्स की यहाँ पे तस्वीरें भी नज़र आ रही हैं। इधर PSL के काफ़ी मैचेस होते रहे हैं, और अभी कोरोना की वजह से जो है ये बंद पड़ा हुआ है, और क्योंकि कोरोना अभी चल रहा है। और ये फ्रंट एरिया है हमारे क्रिकेट स्टेडियम का जो आप देख रहे हैं, और ये काफ़ी वसी एरिया में फैला हुआ है। हम यहाँ पे पहले क्रिकेट खेलने आया करते थे सारे, जितने भी यहाँ पे हम लोग मिले हैं। और ये वो लाइट है जो रात को यहाँ पर ऑन होती है, जलती है यहाँ पे। अभी आप देखेंगे यहाँ पर अंदर मजदूर भी लगे हैं जो काम कर रहे हैं। और ये काफ़ी बड़ा स्टेडियम, बड़ा मशहूर स्टेडियम है यहाँ का, यहाँ पर मैचेस होते रहते हैं। अभी क्योंकि बहुत सा हिस्सा यहाँ पे कंस्ट्रक्शन का चल रहा है, और मैंने खुद भी बहुत सारे मैचेस यहाँ पर देखे हैं। बड़ा ज़बरदस्त सिस्टम होता है यहाँ पे, मज़ा आता है लोकल मैच हों या इंटरनेशनल मैचेस हों देखने का। अभी चूँकि कंस्ट्रक्शन का सारा सिस्टम है यहाँ पर, कंस्ट्रक्शन हो रही है इस वजह से। और मैं इसके साथ ही बिल्कुल जो अटैच है फूड स्ट्रीट अटैच है, वहाँ पर हम चलेंगे। और फूड स्ट्रीट में हम देखते हैं कि वहाँ पर क्या चीज़ मज़े मज़े के खाने मौजूद होते हैं। ये मेरे बैग पे आप देखते हैं, गाड़ी खड़ी है, जो भी कूड़ा सिस्टम होता है वो यहाँ पर फेंक दिया जाता है। ये वो रोड है जो पिंडी स्टेडियम को मिलाती है, और ये जो दीवार आ रही है ये फूड स्ट्रीट की दीवार है। फूड स्ट्रीट में एंट्री करने लगे हैं, यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कितने मज़े मज़े के खाने मिलते हैं यहाँ पे। अभी क्योंकि दिन का वक्त है, और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश हुई है, और इसकी वजह से सब कुछ मौसम और अच्छा और कुछ खुशगवार हो गया। ये फ्रंट है फूड स्ट्रीट का, यहाँ की जो फूड स्ट्रीट है रावलपिंडी फूड स्ट्रीट है, ये इसका फ्रंट गेट। जब भी आप आए पिंडी आए तो फूड स्ट्रीट लाजमी आए डबर रोड वाली साइड पर, तो इस गेट से हम एंट्री मारते हैं। अभी
ये इसका अफ्ताह हुआ था जो इसमें लिखा हुआ है। शायद मेरा कैमरा आपको सही से दिखा ना पाए तो लिखा हुआ है कफू स्ट्रीट डबल रोड। ये 2018 में बनी, 17 मई 2018 को इसकी बुनियाद रखी थी और 2018 से अब तक ये चल रही है। और मुख्तलिफ यहाँ पर जो हैं वो ब्रांड्स आते हैं और अभी भी मौजूद हैं। तो चलें मैं आपको दिखाता हूँ कि यहाँ पर कौन कौन से ब्रांड मौजूद हैं जो कि बहुत अच्छे अच्छे जिनके खाने हैं। ये मेरे पीछे बोर्ड लगा हुआ है शहनशाह टिक्का हाउस का, जो कि फ्री डिलीवरी करते हैं। और अभी चूँकि मॉर्निंग का टाइम है तो इसलिए ज़्यादातर यहाँ पर सारे बंद पड़े हैं। ये मेरी बैक साइड पर अल शेख टिक्का हाउस है, यहाँ असगर माल चौक वाले आएंगे। मतलब आप यहाँ पर आएंगे तो खाली पेट वापस मिल जाएंगे। ये पीछे जो आप देख रहे हैं ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, जहाँ से मैं भी गुजर कर आया हूँ। ये यहाँ के फूड स्ट्रीट का एरिया है जो मैंने आपको दिखाया है और उसके साथ खैबर दरबार आ जाता है। यहाँ पे भी आपको बड़े मज़े मज़े के और अच्छे अच्छे खाने मैसर आते हैं। यहाँ की बात ये कि एक दफ़ा इस टेस्ट को जो खा लेता है वो बस फिर इधर कहीं होके रह जाता है। बहुत अच्छे और बेहतरीन खाने आपको मिलेंगे और शहरों में भी आपको अच्छे खाने मिलेंगे, लेकिन यहाँ रावलपिंडी का टेस्ट जो है वो इंशाल्लाह आपको बहुत ज़बरदस्त लगेगा। इसके बाद खैबर दरबार के बाद आगे जब हम चलते हैं तो हमें यहाँ पे नज़र आता है कबाब टाह। ये भी रेस्टोरेंट है, यहाँ पे आपको दुम्बा मिलेगा, छोटा गोश्त मिलेगा, बड़ा गोश्त मिलेगा, चिकन मिलेगा, बीफ मिलेगा, मटन मिलेगा। ये जनाब कबाब टाह होटल है। अभी चूँकि सुबह सुबह का टाइम है तो इसलिए सारे स्टार्ट कर रहे हैं आस्ता आस्ता से, और कुछ काम यहाँ पर स्टार्ट हो चुके हैं। इनका देखिएगा कितना ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे, बड़ा मज़ा आता है। मैं खुद भी यहाँ आता हूँ, दोस्तों के साथ भी आता हूँ, फैमिली के साथ भी आता हूँ। तो इससे आके जब हम बढ़ते हैं तो यहाँ पे आता है नमक मंडी शनवारी। नमक मंडी भी आपको यहाँ पे मिलेगी और क्या ज़बरदस्त सिस्टम होगी यहाँ पे, बेहतरीन। अभी यहाँ पे दुकान इन्होंने स्टार्ट की है और सामान लगा रहे हैं। सामान यहाँ पे लगता है, इसका फ्रंट चेक कीजिए और यहाँ पर ये भी काम कर रहे हैं, इन्होंने भी स्टार्ट ले लिया है यहाँ से। क्या लेना, ठीक है, स्टार्ट हो गया काम। ये देखें यहाँ पर ये काम स्टार्ट करने लगे हैं अभी। यहाँ से हम थोड़ा और आगे जाते हैं, जब हम यहाँ से और आगे निकलते हैं तो ये खैबर शनवारी जो इन काफ़ी बड़ा यहाँ पर ये रोड का ये सिस्टम है, अभी ये बंद पड़ा हुआ है, अभी ये बंद पड़ा हुआ है और यहाँ पे काम अपने आसपास पर स्टार्ट हो गया। उसके बाद आप देखेंगे कि यहाँ पे लाइन लग जाएगी, गाड़ियों की लाइनें लग जाती हैं, वहाँ पर लोग ही लोग मौजूद होते हैं और फायदे ना यहाँ यहाँ से जाते हैं। तो हम यहाँ से आगे जाते हैं और यहाँ पर इसके पास जो आता है वो लाहौरी हाइवा आता है। ये इसका फ्रंट यहाँ पे मौजूद है, इधर पार्किंग में गाड़ियाँ खड़ी होती हैं और लोग यहाँ पर मौजूद होते हैं। ये इसका फ्रंट है। इनके भी खाने बहुत मज़े के होते हैं, ज़बरदस्त किस्म का टेस्ट होते हैं, बहुत बेहतरीन किस्म की आपको यहाँ पे फूड मिलेगी।
टोटली फूड स्ट्रीट में आपको बेहतरीन एक से एक बढ़ के यहाँ पर आपको स्ट्राइका मिलेगा, आपको खाना मिलेगा। इसके बाद अब जब हम आगे चलते हैं, यहाँ पर चारपाइयाँ वगैरह बिछी जाती हैं, कुर्सियाँ लग जाती हैं, और ये यहाँ की बहुत खूबसूरत मस्जिद है छोटी सी, जो आगे आएगी मैं आपको दिखाता हूँ। और ये है, ये सेवर क्रिप्सोवर सेवर वालों का फ्रंट है, सामने भी है और मेरी बैक साइड पे भी है, ये आप देख सकते हैं। सेवर फूड यहाँ का बहुत मशहूर फूड है, दूर दूर से लोग आते हैं। और अब तो इसकी ब्रांचें लाहौर में भी हैं, वाकई टेक्सला वाली साइड पे भी चली गई है। क्या बेहतरीन ज़बरदस्त किस्म की इसका आप देख सकते हैं, मतलब यहाँ पर अगर आप खुद आएँ या फैमिली के साथ आएँ या अकेले आएँ, खाए बिना आप यहाँ से नहीं जा सकते। ये सेवर वालों का है और इसकी बिल्कुल सामने इनकी एक और ब्रांच है, जिसको मैं अभी यहाँ से घूम के अभी विज़िट करूँगा और आपको दिखाऊँगा। और बिल्कुल मेरे सामने पिंडी क्रिकेट स्टेडियम है, ये देखें, ये वो सामने अगर आप देखें तो वहाँ पर एक बोर्ड लगा हुआ है, तो स्कोर नज़र आता है, ये ब्लैक कलर का आपको जो नज़र आ रहा है इस पर ये स्कोर है, इस पर स्कोरिंग नज़र आती है। गेट, हर गेट के नंबर लिखे हुए हैं, वो अंदर आपको HBL लिखा हुआ नज़र आएगा लाइटिंग पे। तो ये तो हो गया सेवर वालों, हम इधर से और आगे जाते हैं तो हमारे पास फास्ट फूड में पिज़्ज़ा आ जाता है। पिज़्ज़ा यहाँ पर जनाब पिज़्ज़ा भी मौजूद है, अभी चूँकि बंद है, अभी टाइम नहीं हुआ इनके ओपन होने का। ये देखें जी, इधर पिज़्ज़ा, क्या बेहतरीन ज़बरदस्त पिज़्ज़ा यहाँ पे मिलता है। मैं खुद फैमिली के साथ यहाँ पे आता रहता हूँ, दोस्तों के साथ अकेले भी आता हूँ यहाँ पे। इसके बाद यहाँ पे मुख्तलिफ़ ठीये भी मौजूद हैं, सेवर के बाद हो गया पिज़्ज़ा हो गया, और उसके बाद यहाँ पर जो मौजूद है मैं आपको बताता हूँ, छोटी सी मस्जिद यहाँ की, यहाँ की ये छोटी सी मस्जिद है, बहुत प्यारी और ख़ूबसूरत मस्जिद है यह। तो अब इसके बाद यहाँ पर आ जाता है शहनशाह शनवारी, जिनका फ्रंट ही इतना बड़ा है और बहुत बड़ा माशाल्लाह यहाँ पे इनका सिस्टम है। ये ऊपर आप देख रहे हैं शहनशाह शनवारी है, बेहतरीन सिस्टम है, ये इनका सारा एरिया है, पूरा सेटअप है जी इनका, यहाँ पर ये बनाते हैं बहुत मज़े मज़े के, यहाँ पर इनके खाने होते हैं जो कि खाने को मिलते हैं। और ये पीछे स्टेडियम की लाइट है जो आप देख रहे हैं, बिल्कुल ये पीछे वो स्क्रीन बोर्ड है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का। और अभी इस तरफ भी आएंगे भटकड़ाही, जो इधर रावलपिंडी में मौजूद है। और ये है शहनशाह टिक्का हाउस, अभी ये चूँकि बंद पड़ा हुआ है, और असल में मैंने मॉर्निंग का टाइम इसलिए चुना है कि इंशाल्लाह एक वीडियो और बनाऊंगा जिसमें ये सारे बना रहे होंगे खाना, उस टाइम रश भी आपको नज़र आएगा। और ज़रा ये भी थोड़ा ज़रा सुकून का माहौल है इस वजह से। ये है मस्जिद, यहाँ पे मैंने आपको बताया था, और यहाँ पर इनके ठेले लगे हुए हैं, और यहाँ पर इन्होंने इतना सेटअप ज़बरदस्त किया हुआ है कि यहाँ पे इन्होंने चारपाइयाँ बिछाई हैं। ये जी इनकी चारपाइयाँ, अगर आप बैठ के आराम से जो भी ऑर्डर करना चाहें आप कर सकते हैं, बेहतरीन और ज़बरदस्त सिस्टम है यहाँ पे फूड स्ट्रीट के हवाले से। पिंडी वाली साइड पे क्रिकेट स्टेडियम डबल रोड की तरफ आप आएँ और आप इधर फूड स्ट्रीट ना आएँ, कुछ खाएँ पिए ना। ये इनका एक बैनर लगा हुआ है शहनशाह, इस पर लिखा हुआ है फूड स्ट्रीट स्टेडियम रावलपिंडी,
ये इनके अंदर का एरिया जहाँ पर सारे लोग खाना पकाते हैं। यहाँ से अब हम थोड़ा सा और आगे जाएंगे। ये अभी शहनशाह वालों का सेटअप चल रहा है, आमने सामने इनका सेटअप मौजूद है। यहाँ पे आप देख सकते हैं किस तरह से ये कुकिंग करते हैं। इस टाइम ये बिठिया भी बन रहा है और ये खुली सी जगह मौजूद है यहाँ पे। इस टाइम जो चल रहा है और ये एक आप कह रहे हैं कि छोटा सा गार्डन टाइप है, यहाँ पर कुर्सियाँ लगा के बैठते हैं लोग और मुख्तलिफ जो खाने पीने की चीज़ें उन्होंने अपनी अपनी जगह मखसूस की करके रखी हुई। जैसे ये मेरे बैक साइड पे सफरून है, ये एरिया इनके अंडर आ जाता है, इन्होंने यहाँ पर इसको पे करते हैं। और बैक साइड पे आप देख सकते हैं ये रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम का गेट है, ये अजहर महमूद गेट नंबर 5 इस पे लिखा हुआ है, यहाँ से भी एंट्री होती है। ज़रा मैं आपको ये गेट क्लोज करके दिखाता हूँ और अंदर क्रिकेट स्टेडियम का मंजर देखें। चूँकि अभी मैच तो नहीं हो रहा लेकिन आप इसको देख सकते हैं। वाओ, क्रिकेट स्टेडियम, इंडिया क्रिकेट स्टेडियम ये ऊपर देख सकते हैं आप, काफ़ी ऊपर करके बोर्ड लगा हुआ है, इसमें अजहर महमूद गेट नंबर 5 लिखा हुआ। और ये अंदर का मंदिर शायद आपको नज़र आए, मैं अपनी स्टिक को और ऊपर ले जाने की कोशिश करता हूँ। ये सफरून वाले हैं पीछे जो कि अभी सेटअप अपना स्टार्ट कर लेंगे थोड़ी देर में। और यहाँ पर मौजूद है और यहाँ पर जो लाइट मौजूद है, रात को जो लाइटें ऑन होती हैं आप अक्सर स्टेडियम में देखते हैं जनाब। ये मेरे बिल्कुल पास लाइट लगी हुई है और ये वो देखने पर तक जा रही है। तो आज इस लाइट को आपको करीब से भी दिखा देते हैं। और यहाँ पर पीछे यहाँ पर इस एरिया में, क्योंकि स्टेडियम गोल में मौजूद है और मैं बिल्कुल स्टेडियम के कोने में मौजूद हूँ, मैं पहले फ्रंट पे था अब मैं इसके बिल्कुल बैक पे मौजूद हूँ। यहाँ पे कुछ दुकानें भी हैं और ये वो जनाब, इसको आप लाइट कह लें, खंभा कह लें, जो भी कह लें, ये देखिए कितना ज़बरदस्त बड़ा सा ये मौजूद है। यहाँ पे यहीं से लाइट जो है वो अंदर थ्रो होती है स्टेडियम के अंदर। और यहाँ पे छोटी सी शॉप्स वगैरह भी मौजूद हैं, शॉप दुकानें हैं यहाँ पे। यहाँ पे आकर आप आना चाहें फूड स्ट्रीट का, मैंने अभी आपको एक एरिया विज़िट करवाया है। और जी यहाँ पर ये देखें मुख्तलिफ ठिए भी मौजूद हैं और पढ़े लिखे नाम ये देखें। ये ठिया यहाँ पर एक मौजूद है जिस पर लिखा हुआ है पढ़े लिखे नान और अनपढ़ तंबाकू वाले। क्या बात है जी, मुख्तलिफ यहाँ पर लोगों को अपनी तरफ खींचने के लिए बोर्ड वगैरह लगाए हैं। 24 कैफे है और ये वो एरिया है और इसके साथ ही यहाँ पर आगे आर्मी का एरिया लगता है, आर्मी पब्लिक स्कूल भी है यहाँ पर। मैं मज़ीद आगे नहीं जाऊँगा क्योंकि वहाँ पे आगे कुछ नहीं है, मुर्गियों का पोल्ट्री फार्म भी है यहाँ पे जो कि पहले हुआ करता था, अब है या नहीं। ये पूरा एरिया है तो अभी हम यहीं से घूमेंगे और फोर्थ स्ट्रीट का आपको दिखाएंगे। और ये देखिए जी पिंडी स्टेडियम का एक और लाइटें लगी हुई हैं, ये वहाँ पर एक गेट और मौजूद है, काफ़ी सारे गेट हैं इसके। और इधर से
हम अभी वापस मुड़ते हैं और आपको दूसरी वाली साइड दिखाता हूँ कोने तक। जब आप यहाँ पर आएँ तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम की जो फूड स्ट्रीट है उसको आपने ज़रूर करना। ये हम यहाँ से दूसरी साइड पर अभी मौजूद हैं, यहाँ पर ये दुकानें मौजूद हैं। आए इधर से स्टार्ट लेके हैं, आखिर तक चलते हैं। और दोस्तों यूट्यूब पे बे इंतहा चैनल बने हुए हैं, मेरा भी एक छोटा सा चैनल है जिसके लिए मैं ये वीडियो शूट कर रहा हूँ। और होप कि आप मेरी ये वीडियो पूरी देखेंगे और आपको पसंद भी आएगी। चैनल को शेयर भी करें, लाइक भी करें, बेल आइकॉन पे क्लिक कर दें जैसा कि हर कोई कहता है। और एक शौक के तौर पे वीडियो बना रहा हूँ, पैसे कमाने तो भी बहुत दूर की बात है। तो यहाँ से स्टार्ट लेते हैं, देसी चाय खाना ये आप देख रहे हैं मेरे बैक साइड पर मौजूद है, ये मौजूद है इधर। आ यहाँ से हम आगे चलते हैं, दुकानें भी हैं लेकिन वो भी बंद पड़ी हैं। ठीक है, और ये फ्रंट आ जाता है मेरे पास कैफ़े 24 वेयर वी मीट। ये देखेंगे और ये बैक साइड पे मौजूद है, ये चूंकि बंद पड़ा हुआ है। धूप भी बड़ी प्यारी निकली है और अभी थोड़ी देर पहले यहाँ पे बारिश भी हुई है। ये वो लाइट वाला स्टेडियम का मैंने आपको दिखाया, ये मौजूद है, ये अजहर महमूद गेट का नाम है जो मैं यहाँ से भी जोड़ कर आपको दिखाया। अब हम यहाँ से वापस की तरफ निकल रहे हैं, कोने तक जाएंगे आखिर तक। ये सफरून है यहाँ पे, इधर मज़े मज़े की चीज़ें मिलती हैं आपको खाने के लिए मिलेंगे। अभी ये शटर डाउन हुआ है लेकिन अभी ये यहाँ पर एक्चुअली आप बैठ के नहीं खा सकते क्योंकि कोरोना की वजह से जो है वो पार्सल की सहूलत मौजूद है। जिसके पास भी आप जाएंगे पार्सल आपको मिलेगा, पैक कराएं और साथ ले जाएं। सफरून रेस्टोरेंट, सफरून ये आप देख रहे हैं, सफरून वालों का रेस्टोरेंट है। और ये शहनशाह वालों का बैठने का सिस्टम चूँकि यहाँ पे मौजूद था लेकिन अब कोरोना की वजह से ये बंद हुआ है, आप सिर्फ पैकिंग पैक कराएं, पार्सल बनाएं और ले जाएं। यहाँ से मैं भी अब कुछ किया था, इस पे इन्होंने लिखा हुआ है कभी ये रोबिकुमाटो का जबान। ये वो वाला एरिया है जो स्टेडियम के साथ लगता है बिल्कुल, इस कि उस तरफ सीढ़ियाँ मौजूद हैं, मुख्तलिफ लेवल बनाए हुए हैं बैठने के, वहाँ पे लोग बैठते हैं। और ये एक छोटी सी दुकान है यहाँ पे, छोटे बच्चों के कपड़े वगैरह यहाँ पर मैसर होते हैं। ये दुकान अभी खुली हुई है, खुली हुई है या बंद है, हाँ शीशे वाला जो है वो खुला हुआ है, शटर भी खुला हुआ है। और इसके साथ ऑरेंज है, ऑरेंज नाम का गाड़ियाँ खड़ी हुई हैं। जी देखें यहाँ पे इन्होंने लिखा हुआ है, नोट कर लें कि मास्क के बगैर अंदर आना मना है, गैर मुतल्लिका अफराद के अंदर आना मना है, ये इन्होंने लगा के रखा हुआ है। अच्छी बात है, मास्क का इस्तेमाल करें आजकल की जिस तरह से कोरोना फैला हुआ है। और जी लाहौर में आपने सुना होगा कि बट कढ़ाई मौजूद है और यहाँ पर बट कढ़ाई की बहुत सारी ब्रांचेस भी मौजूद होगी, पिंडी इस्लामाबाद में भी आ गई हैं। और ये
पट कढ़ाई, इनका भी टेस्ट बहुत अच्छा है। कभी चेक तो मैंने नहीं किया, खुद इंशाल्लाह फैमिली के साथ मैं आऊँगा और इसको ज़रूर विज़िट करेंगे, ज़रूर यहाँ का टेस्ट। लक्ष्मी चौक लाहौर वाले हैं, बहुत सारी ब्रांचें यहाँ पे पट कढ़ाई वालों की खुल गई हैं। वो आपको स्कोरबोर्ड नज़र आ रहा है, तो यहाँ से अब हम आगे जाते हैं। पिज़्ज़ा मैंने आपको एक दिखाया था, ये इटालियन पिज़्ज़े वाले थे, उन्होंने वो अपना नाम चेंज कर लिया, और इनके बिल्कुल सामने राहत पिज़्ज़ा वाले मौजूद हैं। ये देखिए, ये हैं राहत पिज़्ज़ा वाले। इनका पिज़्ज़ा भी बहुत अच्छा है। मैं यहाँ पर आता हूँ, अभी एक्चुअली बिल्कुल सूरज फ्रंट पे मेरे सामने पड़ रहा है, तो इसलिए थोड़ा सा मुझे बैक व्यू देखते हैं, मैं थोड़ा सा उसे कुछ भी फील होगा। हम निकलते हैं, बड़े बड़े जनरेटर आप कह लेंगे, जनरेटर्स लगे हुए हैं यहाँ पर। और अगर आप रावलपिंडी आएँ, इस्लामाबाद आएँ, तो सेवर फूड पे ना जाएँ, ये कैसे हो सकता है यार। सेवर फूड तो यहाँ की आप कह लेंगे दिल गुर्दा है यहाँ का। ये सेवर फूड के फ्रंट स्टार्ट हो गए जी यहाँ पे। अंदर ये चीज़ें वगैरह मिलते हैं, और सेवर क्रिस्टो मैंने आपको दिखाया था, ये सेवर क्रिस्टो है और ये सेवर फ्रूट सेवर यहाँ पे मिलता है, रीजनेबल प्राइस में है। इनका सेटअप है ये सारा, बेहतरीन चीज़ें आपको मिलेंगी। ये पिंडी स्टेडियम, पिंडी स्टेडियम का ये गेट है जो कि अभी बंद पड़ा हुआ है, यहाँ पर आप अंदर बैठ जाते हैं जाके, और आपको स्टेडियम का सारा व्यू नज़र आता है। और यहाँ पर आप देखें एक और लाइट लगी हुई है, बड़ी लाइट है, और ये टेबल फूड का फ्रंट आ गया मेरे राइट हैंड को। अभी इनकी सर्विस स्टार्ट हो चुकी है, पूरा एरिया जहाँ पर लोग बैठा करते थे, लेकिन अभी जो है वो बंद पड़ा है, कुर्सियाँ वगैरह। ये फ्रंट है इनका, यहाँ पर ये लोग बैठ के सर्विंग करते हैं। और या मेरे पुलाव कबाब आप देख सकते हैं, सेवर फूड पुलाव कबाब जो है, ये इनका फ्रंट है सारा, यहाँ पर ये लोग बैठते हैं अपना काम करते रहते हैं। लेबर वाले हैं, और आए थोड़ा और आगे जाते हैं। जी यहाँ पे पान वाले भी मौजूद हैं, सिगरेट पान जो अपने काम कर रहे हैं, और ख्वाजा पान शॉप ये भी मौजूद है यहाँ पर। गाड़ी को पंचर लगा रहे हैं, लगभग गाड़ी पंचर हो गई है, तो हम और आगे जाते हैं। दुकानों में कुछ कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, और इधर से हम और आगे मजीद जाते हैं। ये खैबर शिनवारी की बिल्कुल सामने वाला एक जगह मौजूद है, इधर आपको पान भी मिलेगा, सिगरेट भी मिलेगी, और बहुत सी चीज़ें। ये काबुल छिनवारी के नाम से, और ये यहाँ पर एक दुकान है बड़ी प्यारी सी, छोटी सी दुकान है लेकिन बड़ी प्यारी है, और काफ़ी सारी अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पर मौजूद हैं। आपको इधर फ्रंट से ही मैं काफ़ी बड़े प्यारे प्यारे कपड़े यहाँ पर मौजूद हैं,
रहा हूँ। कैसे हो तुम? ठीक है। ये भाई होते हैं यहाँ पे, इधर यहाँ पर हर किस्म की आपके पास चीज़ें मौजूद होती हैं। छोटी सी एक वीडियो बना लूँ आपके, छोटी सी एक वीडियो बना लूँ इधर। जबरदस्त किस्म के यहाँ पर यहाँ पर आप पिशावर वगैरह तमाम वैरायटी मौजूद हैं चारों की, हर सुबह और रीजनेबल प्राइस में आपको यहाँ पे मिलेंगी। जी जी। और कितने बजे से कितने बजे तक खुली होती है दुकान आपकी? हाँ जैसे तो आज कल जो है ना 7 बजे बंद कर देते हैं सुबह 9-10 बजे। ये ज़बरदस्त किस्म के यहाँ पे हर किस्म की चीज़ आप जी इधर इस शॉप पे आप लोग ज़रूर आएं, शॉपिंग करें, रीज़नेबल प्राइस में आपको इंशाल्लाह यहाँ पे सारी चीज़ें मिलेंगी। और वीडियो बनाने का मकसद यही है कि यहाँ पे इस चीज़ को उजागर किया जाए और लोगों को बताया जाए कि हमारा शहर रावलपिंडी जो है वो कितना खूबसूरत है और यहाँ पे कितनी रीज़नेबल चीज़ें मिलती हैं। तो भाई से हम इजाज़त चाहेंगे, बहुत शुक्रिया आपने टाइम दिया, थैंक यू। इधर से हम आगे जाते हैं, बहुत प्यारी प्यारी चीज़ें तमाम सूबों की यहाँ पे चीज़ें आपको मिलेंगी, चारों सूबों की हर चीज़ मिलेगी। तो हम इस दुकान में हमने विज़िट किया, भाई का शुक्रिया कि इन्होंने हमें टाइम दिया। इधर खाना स्टार्ट हो गया जी आस्ता आस्ता, और काबल शिनवारी रेस्टोरेंट है मेरी बैक साइड। ये देखेंगे कोयले लगा रहे हैं यहाँ पे, स्टार्ट कर दिया इन्होंने सिस्टम यहाँ पे, स्टार्ट कर रहे हैं। और ये हॉट एंड स्पाइसी मौजूद है, सिर्फ पार्सल की सहूलत मौजूद है यहाँ पे, या तो पार्सल की सहूलत मौजूद है या फिर आप गाड़ी में बैठ के आप उसको खा पी सकते हैं। थोड़ा सा और आगे हम जाते हैं तो यहाँ पे हबीबी आ जाता है, हबीबी और जो कि पिंडी इस्लामाबाद में आपको मिल जाएगा। ये हबीबी रेस्टोरेंट है, यहाँ बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें यहाँ पे खाने पीने की इनके पास मौजूद हो चुकी हैं। पिंडी स्टेडियम का यहाँ पर गेट मौजूद है जिसका नाम है यासिर अरफात गेट नंबर 7। गेट नंबर 7 मौजूद है जी यासिर अरफात, और मेरे पीछे हबीबी चल रहा है। ये एंट्रेंस है, यहाँ पे जंगले लगे हुए हैं, यहाँ से आप एंट्रेंस मारते हैं और इस गेट से आपकी एंट्री होती है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। और आगे थोड़ा सा शोर है क्योंकि पिंडी स्टेडियम के अंदर मैंने आपको स्टार्ट में दिखाया था कि वहाँ पे कुछ काम हो रहा है, और ये हबीबी वालों की पट्टी चल रही है पूरी की पूरी। आगे होके आपको दिखाते हैं, ये भी टीम का सेटअप स्टार्ट नहीं हुआ, डिलीवरी हो रहा है, कुकिंग स्टार्ट नहीं हुई। और यहाँ तक फूड स्ट्रीट आके एंड हो जाती है क्योंकि ये राउंड में मौजूद है,
तो मैं ज़्यादा आगे नहीं गया क्योंकि वहाँ पे कुछ इतना ख़ास फूड स्ट्रीट के हवाले से मौजूद नहीं है। यहाँ से मैंने स्टार्ट किया था इस गेट से और घूम के मैं गुजर गया। ये आखिरी है, यहाँ पे भी अभी भी मौजूद है और शोर आपको जो सुनाई दे रहा है ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम के अंदर काम लगा हुआ है। अब ये देखें मेरी बैक साइड पर, ये पिंडी क्रिकेट स्टेडियम और ये इसकी बैक पे जो है ये अभी तक काम कर रहा है। इधर आते ये पट्टी बंद हो जाती है, आप देख सकते हैं यहाँ पर किस तरह से काम कर रहे हैं। अंदर बहुत मेहनत से इस स्टेडियम पर और इस फूड स्ट्रीट पर काम किया जाता है। मौजूद हैं चीज़ें जो आपको मिलेंगी। यहाँ पे सर्दियों में यहाँ पे आपको फिश मिलती है, सर्दियों से रिलेटेड यहाँ पे ठेले लगे होते हैं, मौजूद होते हैं यहाँ पे। और पूरा फूड स्ट्रीट मैंने आज आपको दिखाया। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरी ये वीडियो बहुत पसंद आई होगी और इस वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और जब आप रावलपिंडी इस्लामाबाद आएँ तो इधर फूड स्ट्रीट में ज़रूर आएँ, यहाँ के खाने मज़े के आपको मिलते हैं। इंशाल्लाह मैं कोशिश करता हूँ कि एक वीडियो और ऐसी बनाऊँगा जहाँ पर पकता हुआ खाना आपको दिखाऊँगा, बेहतरीन किस्म का आप देखेंगे। तो दोस्तों अभी इजाज़त मांगता हूँ आपसे और इंशाल्लाह फिर एक अच्छी और ज़बरदस्त वीडियो के साथ मैं आपके साथ इंशाल्लाह सामने आऊँगा। और आपसे रिक्वेस्ट है कि मेरी इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, मेरे चैनल जो शोने पारे के नाम से उसको लाइक करें, सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें। और इस स्टेडियम के बिल्कुल सामने पब्लिक पार्क है, बहुत पुराना पार्क है। इस पार्क का नाम नवाशी पार्क रखा गया और जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है उसने इसको लामा इकबाल पार्क के नाम से मेंशन कर दिया है। तो ये थी आज की फूड स्ट्रीट जो कि 17 मई 2018 को इसकी बुनियाद रखी गई, तब से लेके अब तक 2020 चल रहा है, ये चल रही है रवान दवाएँ। ये जनाब फूड स्ट्रीट हमारे रावलपिंडी शहर की, ये देखिए छोटे छोटे बच्चे किस तरह मोटरसाइकिलों पर साइकिलों पर इधर घूम रहे हैं। अब आपसे मैं इजाज़त मांगता हूँ, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मैं आपसे मुलाकात करूँगा। अल्लाह हाफिज़।